नमस्ते साथियों, केमिस्ट्री बाय एपी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर थर्ड पढ़ेंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसे लगता है, आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे पहले अपन ने दो क्लास ले ली थी, लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। आज जो लेक्चर थर्ड में जो अपनी क्लास रहेगी, उस क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ लेंगे एल्किल हैलाइड की संरचना। कई बार बच्चे सोचते थे संरचना छोटा टॉपिक है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा। आपको बता दूं 2019 के अंदर एल्किल हैलाइड की संरचना पूछी गई थी। 2019 में एक नंबर का प्रश्न पूछा गया था, CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड मतलब हेलोजन परमाणु यहाँ पर एल्किल समूह से जुड़ा है। इसके लिए मैं आपको 2019 का जो प्रश्न पूछा गया था वही बता देता हूँ। इसके लिए पूछा था CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए, कक्षक आरेख बनाइए। तो आप ध्यान दें, यहाँ जो CH3Cl है उसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन है और यहाँ Cl जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। जब भी एकल आबंध होता है तो संकरण होता है sp3। संकरण विद्यार्थियों क्या होता है साथियों, sp3 होता है। और sp3 संकरण होने के कारण कुल संकरित कक्षक कितने हो गए, 4। कुल संकरित कक्षक हो गए 4। और जब भी sp3 संकरण होता है तो आपको पता है आकृति क्या होती है, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। और अपन CH4 के अंदर बात भी की थी तो उसके अनुसार जो बंध कोण होता है वो होता है 109.28 डिग्री का। हम बनाते हैं CH3Cl का कक्षक आरेख। तो मैंने क्या कहा, 4 संकरित कक्षक है अभी। तो आप देखिए 4 संकरित कक्षक कैसे, ये कार्बन यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा। कार्बन होता है बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1, 2 और 3। आपको बता दूं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, तो 1s1 होता है तो हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक आएगा, s कक्षक। और s कक्षक की आपको पता है आकृति क्या होती है, गोल होती है। तो एक h, ये दूसरा h और ये तीसरा h, ये 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर क्या जुड़ा है, Cl। आपको पता है Cl क्लोरीन पी ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक के जो पी कक्षक की जो आकृति होती है वो डंबलाकार होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि ये एक डंबल बना दिया, ये डंबल बना दिया, ये Cl, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Cl की संयोजकता होती है कितनी, आपको पता है Cl की संयोजकता होती है 1। और जैसे मैं आपको बुक के अनुसार अगर व्यक्त करना चाहूँ तो ये इस प्रकार से है। और यहाँ सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ा है तो टोटल उसके पास भी संकरित कक्षक कितने होंगे, भाई 4 हो गए, ठीक है। ये आपके उसमें बुक में नहीं मेंशन है, परंतु इसके भी संकरित कक्षक 4 होते हैं। तो ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये भैया क्या हो गए, 4। इन 4 संकरित कक्षक में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1/7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो अपन लोग या जो बुक के अंदर जो मेंशन की गई है उसमें केवल कार्बन के संदर्भ में दिया है, तो ये जो कक्षक उसमें नहीं बना रखे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर इस CH3 और ये Cl, ये CH3Cl का क्या हो गया यहाँ पर कक्षक आरेख। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कार्बन होता है सिंगल बंध से जुड़ा हुआ, और जब भी एकल बंध होता है संकरण होता है sp3, और sp3 है तो टोटल 4 संकरित कक्षक, 3 तो पी के और 1 एस का, अर्थात 25% योगदान है एस कक्षक का और 75% जो योगदान है वो पी कक्षक का है। और यहाँ पर टोटल 4 संकरित कक्षक हो गए और 4 संकरित कक्षक हैं, और sp3 संकरण होने के कारण पैटर्न होता है चतुष्फलकीय है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चतुष्फलकीय किस प्रकार से, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये यहाँ पर Cl है। तो हम पैटर्न बनाना चाहें तो इस प्रकार से चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल पैटर्न हमें हमको क्या होता है यहाँ पर प्राप्त होता है, और जिसमें बॉन्ड एंगल रहता है 109.28 डिग्री का CH4 के संदर्भ में। अगली बात, ये CH3Cl का कक्षक आरेख। तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि ये टॉपिक ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें जनरल जानकारी है, ये जनरल जानकारी है, इसी का एक नंबर का प्रश्न बन चुका था जी।
देखो अपने ये जो केमिस्ट्री है उसमें 50 आरबीसी बोर्ड के अंदर 56 नंबर का जो पेपर पेपर होता है, और 56 में से यहाँ पर लगभग 60-65% आते हैं एक नंबर की। देखो भैया, जो अथवा वाले पर्सन आते हैं, चाहे अपन उनको करते नहीं है परंतु अपन को उनको देखना तो पड़ता है, अरे भी सेलेक्ट करने के लिए भी उनको रिजेक्ट करना पड़ता है, तो लगभग 60-65% आते हैं उसमें। अपन को कैसे एक ही नंबर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं माइनर मिस्टेक हो सकती है, तो चाहे टॉपिक छोटा हो, चाहे टॉपिक ईची हो, चाहे टॉपिक कितना कठिन हो, चाहे टॉपिक कितना बड़ा हो, अपन को एकदम बारीकी से उसको देखना पड़ेगा, भी ध्यान रखना। ये हमने बात कर ली एल की रेल की संरचना। अब अपना जो टॉपिक चालू होता है वो यहाँ पर सी एक्स आबंध की प्रकृति है। सी एक्स आबंध की प्रकृति, देखो एल्कलाइन में सी एक्स आबंध की प्रकृति का जो टॉपिक है वो क्या है, वो आप समझें कि कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? हेलोजन। हाँ, यहाँ जरूर कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक आबंध है कार्बन और हेलोजन के मध्य, परंतु कार्बन की अपेक्षा हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता आपको पता है ज्यादा होती है। तो हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है कि बंधित इलेक्ट्रॉनों को आपस अपनी ओर आकर्षित करने की जो दक्षता होती है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो हेलोजन है, ये बंधित इलेक्ट्रॉनों को हेलोजन है, आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। ये पी ब्लॉक में 17वें वर्ग के अंदर है, यहाँ पर आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के अंदर है, तो ये विद्युत ऋणी ज्यादा है, तो ये क्या करता है बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित खींचता है। तो यहाँ पर इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, अर्थात सहसंयोजक आबंध होते हुए इसमें ध्रुवीय प्रवृत्ति के गुण आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एल्की लेलाइट कौन से नेचर के होते हैं, ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा क्या होती है यहाँ पर ज्यादा होती है। तो कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव और हेलोजन पर आंशिक क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इसमें अपन को सी एक्स आबंध प्रकृति के अंदर एक तो बात मैंने बात कही थी कि ये पोलर नेचर होते हैं। अब मैं कुछ आपको बताऊं कि यहाँ पर ये एल्किल क्लोराइड एरिया, एल्किल क्लोराइड एरिया, एल्किल ब्रोमाइड एरिया और एल्किल आयोडाइड एरिया, आपका साइज छोटा होता है, सीएल का साइज उससे बड़ा, बीआर का साइज उससे बड़ा और आयोडीन का साइज उससे भी बड़ा होता है। हमने पढ़ रखा है अच्छे से 11th क्लास के अंदर कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, तो परमाणविक आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम बात करें बंध लंबाई, जब हेलोजन परमाणु का अगर आकार बड़ा होगा तो बंध लंबाई में भी क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी। तो हेलोजन परमाणु की त्रिज्या या आकार कह सकता हूं कि वर्ग में अपन टॉप टू बॉटम आते हैं, देखा यहां पर वर्ग में अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो सी एक्स आबंध की सी एक्स बंध लंबाई है वो क्या होती है, बढ़ती है। भाई देख लो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी, एल्किल आयोडाइड की होगी, फिर यहां पर सबसे कम बंध लंबाई होगी एल्किल क्लोराइड की, क्योंकि आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने पढ़ा है 5s2 5p3 5s2 5p5 होता है, 5 पे चला जाता है बराबर 5, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर क्या होती है, 5 होती है, और इसकी होती है मुख्य n बराबर 2। तो n का मान बड़ा वैसे वैसे क्या होगा, परमाणु का रेडियस बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर परमाणु त्रिज्या की बात है, यहाँ पर बंध लंबाई अगर बढ़ती है, अगर बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध की प्रबलता, अगर बंध लंबाई जितना ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बंध उतना ही क्या होगा, कमजोर होगा। तो एल्किल एलाइड की अगर बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध सामर्थ्य या बंध की प्रबलता उसमें क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। अर्थात हमने बात कर ली बंध सामर्थ्य का बढ़ता क्रम या बंध सामर्थ्य का घटता क्रम, बंध सामर्थ्य का बढ़ता क्रम, तो सुनो बंध सामर्थ्य का बढ़ता क्रम, अगर हम ये भी कह सकते हैं अगर परमाणु का आकार बड़ा होगा तो बंध लंबाई आकार बड़ा होगा बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध सामर्थ्य में क्या आएगी, कमी। तो यहाँ पर इसका आकार बड़ा है, बंध लंबाई ज्यादा है तो सामर्थ्य क्या होगी यहाँ पर, कम होगी। तो बंध लंबाई का बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर क्रम हमेशा इस प्रकार से अपन लगाते हैं, आरोही और अवरोही क्रम अपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं। तो एल्किल फ्लोराइड में फ्लोरिन का बेटा आकार क्या होता है, यहाँ पर छोटा होता है,
क्लोरीन का आकार छोटा है तो एक कार्बन के साथ एलोजन जुड़ा रहेगा, बंध तोड़ना क्या होगा मुश्किल। तो सबसे ज्यादा बंध मजबूत होगा एल्किल क्लोराइड में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर एल्किल क्लोराइड में, उसके बाद की बात करें एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड में आयोडीन का आकार बड़ा है तो ये बॉन्ड क्या टूटेगा यहाँ पर, इजीली टूटेगा। तो बंध प्रबलता बंध सामर्थ्य में क्या होगी यहाँ पर, कमी होगी क्योंकि बंध लंबाई क्या है यहाँ पर ज्यादा। तो जैसे बंध मजबूतता की बात करें, सामर्थ्य की बात करें, तो बंध सामर्थ्य बढ़ती है तो बंध लंबाई में क्या आती है, कमी आती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट सुनो बात, अब बात करें एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, आरएक्स की क्रियाशीलता। सामर्थ्य हमने पढ़ लिया, अब है क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता में क्या है भैया, बंध आसानी से टूटेगा तो किसी के साथ क्रिया आसानी से कर लेगा, और बंध मजबूत पड़ा है टूट ही नहीं रहा है। जैसे एल्किल फ्लोराइड है, एल्किल आयोडाइड है, दोनों में बात करें यहाँ बंध मजबूत, यहाँ बंध मजबूत है बंध टूट नहीं रहा, तो क्रिया क्या करेगा भैया, पानी के अंदर चीनी डाल दी घुल जाती तो क्रिया होगी उत्पाद बन गया, और पानी में मिट्टी डाल दी क्रिया नहीं हुई है उत्पाद ही नहीं बना। तो यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड के अंदर बंध मजबूत होता है, यहाँ एल्किल आयोडाइड के अंदर बंध कमजोर होता है क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा है। तो यहाँ पर इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बंध आसानी से टूटेगा, जल्दी टूटेगा क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा है, बंध कमजोर है। तो यहाँ पर क्रियाशीलता एल्किल आयोडाइड की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ब्रोमाइड की, फिर उससे कम एल्किल क्लोराइड की, और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड की। तो हम कह सकते हैं अगर बंध लंबाई, समझना भी, बंध लंबाई अगर बढ़ती है तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता में भी क्या होगी, आरएक्स की क्रियाशीलता में भी, आरएक्स की क्रियाशीलता लिख दे रहा है, अगर बंध लंबाई बढ़ेगी ठीक है, बंध इजी टूटेगा, और एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी क्या होगी यहाँ पर, वृद्धि होगी। अब प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न पूछते हैं CH3Cl वह CH3I में यदि क्रियाशील कौन होगा, भैया CH3I होगा क्योंकि आयोडीन का आकार बढ़ा, कार्बन और आयोडीन के मध्य बंध कमजोर हो गया, आसानी से टूटेगा तो क्रियाशीलता क्या होगी ज्यादा, इसके अंदर बंध क्या होगा आसानी से नहीं टूटेगा, तो एल्किल आयोडाइड है वो अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है स्थायित्व है, और आपको नेक्स्ट है बंध एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आरएक्स का स्थायित्व है, स्थायित्व हमने पढ़ रखा है कि स्टेबिलिटी होती है ना, एक बात बता रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता। भैया बंध मजबूत है, बंध मजबूत है तो टूटेगा नहीं, क्रिया नहीं होगी, तो बंध की मजबूतता बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगा तो क्रियाशीलता में क्या आएगी यहाँ पर कमी आती है। तो अब हम एल्किल हैलाइड के संदर्भ पढ़े, अगर बंध लंबाई बढ़ती है, बंध लंबाई बढ़ेगी तो क्रियाशील होगा ज्यादा, तो स्थायित्व क्या होगा कम। तो हमने लिख दिया कि यदि एल्किल हैलाइड की बंध लंबाई अगर बढ़ती है तो स्थायित्व में क्या आती है, कमी, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ी भैया, बंध लंबाई बढ़ गई, बंध लंबाई बढ़ गई बंध आसानी से टूटेगा, अगर बंध टूट गया तो योगी को स्थायित्व में थोड़ी रहेगा। तो हम बात करें कि स्थायित्व का घटता कर आप एक बात ध्यान रखा करो, अगर प्रश्न में पूछा है कि इनको क्रियाशीलता के क्रम में लिखो, बढ़ता पूछा घटता पूछा आप मर्जी से लिखो कोई भी, अगर आपको बढ़ते हुए पूछ लिया तो लेफ्ट टू राइट आप बढ़ते हुए क्रम का साइन लगाएं, ठीक, आप कंसेप्ट करते हैं सही इसी प्रकार से कर देते हैं, परंतु जैसे प्रश्न पूछा ना अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको यही सिंबल लगाना है, तो घटताक्रम पूछा तो सिंबल ये लगेगा, तो स्थायित्व का घटताक्रम सबसे कम स्थायित्व होगा वो इधर लिखूंगा, और सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा वो इधर लिखूंगा। तो बंध लंबाई यदि बढ़ती है तो स्थायित्व में क्या आती है, कमी। तो यहाँ पर बंध लंबाई सबसे कम किस में, एल्किल फ्लोराइड में, तो मोर स्टेबल एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड में बंध लंबाई बढ़ी तो स्थायित्व में क्या ही, कमी, और ब्रोमाइड में और भी ज्यादा यहाँ पर स्थायित्व कम, और एल्किल आयोडाइड में और भी ज्यादा स्थायित्व कम। तो हमने कह दिया कि आयोडीन का आकार बढ़ेगा, बंध असर से टूटेगा, बंध असर से टूटाएगा तो क्रियाशीलता होगी ज्यादा, तो स्थायित्व क्या हो गया, कम। तो ये हमने बात की है। तो CH आबंध प्रकृति हमें क्या क्या बताती है, CH आबंध प्रकृति बताती है कि एल्किल हैलाइड पोलर होते हैं, अगर बंध लंबाई कब बढ़ती है यहाँ पर, समान एल्किल में अगर हेलोजन परमाणु
की त्रिज्या परमाणु का आकार बढ़ता है, बंद लंबाई बढ़ेगी, सही है। तो बंद लंबाई में अगर सबसे छोटा ये हो गया और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, यहाँ पर एल्किल आयोडाइड हो गया बंद लंबाई। नेक्स्ट बंद लंबाई अगर ज्यादा होगी तो मैं इसमें बता देता हूँ साथ में ही, क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा बंद लंबाई ज्यादा है टूटेगा आसानी से, व्युत्क्रमानुपाती गतियां स्थायित्व भाई, बंद लंबाई ज्यादा होगी तो स्थायित्व क्या होगा यहाँ पर कम होगा, क्रियाशीलता अगर ज्यादा होगी तो स्थायित्व क्या होगा कम होगा। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं अगर बंद लंबाई अगर बढ़ती है तो बंद सामर्थ्य के अंदर सामर्थ्य या प्रबलता में क्या आती है, कमी आती है। ये बातें हमने पढ़ ली भी सीएल साधन पर करते हैं। टॉपिक कंसल्ट जो किया है वो है एयर की रेड की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली सीएल साधन की पर करते हैं। अब अपन जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ पर एल्किल हैलाइड का विरचन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का निर्माण अपन किस प्रकार से करते हैं वो चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो एल्केनों का विरचन, विरचन का मतलब होता है निर्माण। आप ये बात कर रहे हो कि ये एल्किल हैलाइड होते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने बात करना है, बात ये करें कि कैसे बनते हैं भाई, आप तो बता रहे हो वो बनेंगे कैसे, जो आप चीज पढ़ा रहे हो वो बनती कैसे हैं, ठीक है। तो निर्माण हम कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर फ्रॉम एल्कोहल, नंबर वन है एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल द्वारा भाई एल्कोहल, जब कार्बन की ओपन चेन में जब OH लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल। अर्थात एल्कोहल है वो किसके लिए बनाने के लिए उपयोगी है, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए उपयोगी है। एल्कोहल में मैं फिर एक पॉइंट डाल देता हूँ वो समझना कौन सा है। एल्कोहल में नंबर वन जो पॉइंट है वो है यहाँ पर अचक्स के साथ, अचक्स हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करानी है, हेलोजन अणुओं के साथ कह दो, हेलोजन अणु या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो मैं यहाँ पर एक जनरल उदाहरण बताता हूँ, एल्कोहल या जब एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अणु या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ये एल्कोहल हो गया इसकी क्रिया में किसके साथ कराती है यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये OH है ये H है, क्या निकल जाएगा वाटर का एलिमिनेशन हो गया और यहाँ पर क्या जुड़ गया R के साथ H, इसे कहते हैं अपन एल्किल और हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब देखो यहाँ पर मैं इनके कुछ आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया आर ओ एच एल्कोहल ले लिया, जब एल्कोहल की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ कराता हूँ तो ये अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो होती है एन हाइड्रस जेड एन सी एल टू की उपस्थिति में, मतलब मैंने लिख दिया निर्जलीकृत या निर्जल जेड एन सी एल टू। तो ये यहाँ से ओ एच चला गया, ये यहाँ से एच चला गया और ये यहाँ सी एल लग जाएगा तो आर सी एल प्लस एच टू ओ, अर्थात मैंने एल्कोहल से क्या बना लिया एल्किल क्लोराइड का क्या कर लिया निर्माण, मैंने ये बता दी रिएक्शन आपने अच्छे से तैयार भी कर ली, परंतु प्रश्न आ गया कि आप क्लोरो या आप क्लोरोएथेन या ऐसे बोल दिया कि एथेनॉल से क्लोरोएथेन प्राप्त कीजिए, एथेनॉल से आपको क्या प्राप्त करना है यहाँ पर क्लोरोएथेन का निर्माण करना है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, आप अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा रफ कॉपी रफ पेज होते हैं उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। तो एथेनॉल यहाँ कहते हैं कि आईपीसी नाम कहाँ काम आता है, यहाँ काम आता है एथेनॉल, एथेनॉल हो गया सी एच थ्री, ये सी एच टू और ये ओ एच, इसे एथेनॉल कहते हैं। क्लोरोएथेन ये हो गया सी एच थ्री, ये सी एच टू और ये सी एल, क्लोरोएथेन हो गया। अब आपको पता है ओ एच हटाना है वहां सी एल लगाना है, तो मैंने इसकी क्रिया किसके साथ करा दी एच सी एल और निर्जल जेड एन सी एल टू की परजेंस में, कैटलिस्ट है ये तो ये H2 का निष्कासन हो गया और ये क्लोरोएथेन का क्या हो गया यहाँ पर निर्माण, क्लोरोएथेन का निर्माण। अब आपको एक बात और बता दूं इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर नंबर अपन 11 में बात करेंगे
कि निर्जलीकृत ZnCl2 और HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? ल्यूकस अभिकर्मक। लो जी एक नाम आया है, अभिकर्मक, ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। तो निर्जलीकृत ZnCl2 HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकस अभिकर्मक। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि एथेनॉल है ल्यूकस अभिकर्मक के साथ क्लोरोएथेन का क्या करता है? निर्माण। ल्यूकस अभिकर्मक बोल दिया तो निर्जल ZnCl2 आ गया, HCl आ गया। तो ये यहाँ पर अचक के साथ की अभिक्रिया प्रणाली है। अब देखो इसमें यहाँ पर मैं अगली जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान दो कि यदि आपको एल्कोहल से एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना हो या एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो तो यहाँ हमने HBr और यहाँ मैंने हेलोजन HI ले लिया, ये H2O का निष्कासन, ये यहाँ से भी H2O का निष्कासन, तो RBr एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बन गए और यहाँ पर लिख दिया वाटर का एलिमिनेशन हो गया। जब भी हमने हेलोजन अम्ल के रूप में HCl लिया है तो उत्प्रेरक लेना है अपन को निर्जल ZnCl2 और जब भी HBr और HI लें तो ये जो अभिक्रिया जो उत्प्रेरित होती है वो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया किसकी किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरित होगी। तो हमने एल्कोहल में नंबर वन बात की है हेलोजन अम्लों के द्वारा, तो इससे हम एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल क्लोराइड के लिए हम ल्यूकस अभिकर्मक लेते हैं और एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो तो HBr HI और सांद्र H2SO4 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं। अगली बात हेलोजन अम्ल के बाद दूसरी बात करें हम बी पॉइंट है एल्कोहल के अंदर ही पॉइंट चल रहा है अपना फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में बी पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं वो समझना आप फॉस्फोरस हेलाइड के साथ, फॉस्फोरस हेलाइड के साथ, फॉस्फोरस हेलाइड, फॉस्फोरस के दो हेलाइड होते हैं, एक तो फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड PX3 और एक होता है PX5, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। वैसे अपना चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक, उसमें PX3 और PX5 का निर्माण भी अपने को दे रखा पी ब्लॉक के अंदर। तो एल्कोहल है फॉस्फोरस हेलाइड के साथ क्रिया करता है तब भी क्या करता है? एल्किल हेलाइड का निर्माण करता है। समझना आप इस बात को, ये मैंने ले लिया यहाँ पर एल्कोहल ROH, फॉस्फोरस हेलाइड के रूप में मैंने ले लिया PCl3, ये ले लिया पी, ये सीएल, ये सीएल और ये सीएल। मैं इसको आपको चलो एक मैं जनरल रिएक्शन बता देता हूँ फिर मैं आपको एकदम ओपन करके बताऊंगा ये कि PCl3 के साथ क्रिया कराई तो यहाँ पर 3 मोल एल्कोहल के तो 3 क्या हो गए यहाँ पर RCl और ये यहाँ पर H3PO3 का क्या हो गया निष्कासन। ये ले लिया एल्कोहल, ये हो गया फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड और ये बन गया एल्किल क्लोराइड हो गया यहाँ पर और ये ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये फॉस्फोरस अम्ल का हो गया, ये फॉस्फोरस का ऑक्सो अम्ल है तो एल्कोहल के 3 मोल फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड का 1 मोल एल्किल क्लोराइड के 3 मोल बनाता है और H3PO3 का निष्कासन हुआ। क्या मैं उदाहरण लूँ यहाँ पर CH3OH ले लिया एक, ये CH3OH, ये CH3OH के मैंने कहा ना 3 है तो 3 लीजिए अलग अलग, ये ले लिया PCl3, ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होता है क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, सही है। तो ये यहाँ से देखो भैया क्या निकल गया एच 3 हो गया ना H3PH 3 हो H3PO3, ये कार्बन के CH3 के साथ Cl 1, 2 और 3 तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3 मोल ऑफ CH3Cl प्लस H3PO3 जी। अगली बात आप सुनो, ये तो बात करती मैंने फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड के साथ या फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ,
अब इसके अंदर एक अभिक्रिया हो रहा है वो आप समझे। यदि मैं एल्कोहल की क्रिया फॉस्फरस पेंटाहैलाइड पेंटाहैलाइड की जगह मैंने लिया PCl5, ये लिया एल्कोहल ये फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है, तो यहां पर जब क्रिया होती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है और यहां पर एल्किल क्लोराइड हो गया, साथ में एलिमिनेशन होगा फॉस्फोरिल क्लोराइड का और HCl का, अर्थात अपना काम हो चुका है, एल्किल क्लोराइड हो चुका है ऑब्टेन हो चुका है और ये हो गया फॉस्फोरिल क्लोराइड और मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अभिक्रिया आप कैसे संपन्न हुई है वो आप समझना, आर की जगह मैंने ये ले लिया CH3 और OH को मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ये PCl5 है, इस PCl5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PCl3 और Cl, ये Cl, ये यहाँ पर CH3 OH, ये PCl5 है, मैंने देखो PCl ये यहाँ पर 3 लिखा है और ये Cl PCl5 तो हो गया, तो ये देखो यहाँ पर ये CH3 और Cl, ये यहाँ से क्या हो गया H और Cl, ये POCl3, तो आप देखो ये CH3 Cl लिख दिया ना क्लोरो मेथेन और ये क्या हो गया POCl3 प्लस एच और Cl एच Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा, भैया मुझे बताइए आप मेथेन ऑल से क्लोरोमेथेन कैसे प्राप्त करोगे, मैंने ये अभिक्रिया समझाया, आप इससे लिख सकते हो, आप इससे लिख सकते हो, आप ल्यूकस अभिकर्मक के साथ क्रिया करा के भी लिख सकते हो स्वतंत्र हो। अगर मैंने बोल दिया कि एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराओ तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है। अब देखो यदि यदि हम बात करें, इसी में लिख देता हूं नीचे, क्योंकि दो एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, अब मैं यहां पर कंडीशन लगा दी कि यदि आपको एल्किल ब्रोमाइड वह एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो, कि सच्ची आपने जो बताई ना उसमें एल्किल क्लोराइड बन रहा है पर हम तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना चाहें, तो इसके लिए अपन को एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि हेलोजन की क्रिया सही है रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में करवानी पड़ेगी, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में। फॉस्फोरस के तीन अपरूप होते हैं, लाल होता है, श्वेत होता है और काला फॉस्फोरस होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि एल्कोहल है ये क्रिया करता है किसके साथ, यहां पर हेलोजन के साथ और यहां पर रेड फॉस्फोरस लेते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, x2 बराबर हो गया यहां पर Cl2 और सॉरी x2 बराबर हो गया Br2 व I2 ब्रोमीन और आयोडीन हो गया, सही x बराबर। तो रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तब यहां पर क्या बनता है एल्किल, एक्स की जगह क्या है बीआर और आई है, ये ध्यान रखना भी ठीक है। इसमें आपको केवल ये कंडीशन ही ध्यान रखनी है कि जब भी हमें एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो तो हेलोजन की क्रिया किसके साथ करानी पड़ती है, यहां पर रेड फॉस्फोरस की साथ, क्योंकि रेड फॉस्फोरस और हेलोजन होते हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों मिलते हैं, जैसे ये रेड फॉस्फोरस है वो पी लिख दिया फॉस्फोरस, जैसे P4 के रूप में रहता है इस तत्व में, और ये Cl2 ये Br2 ले लिया सही है, ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा PBr3 का क्या करेंगे यहाँ पर निर्माण करेंगे, तो ये चार ना क्या लगा दिए, ये यहाँ पर 12 हो गए तो ये यहाँ पर 6 लगा दिए ठीक है, तो 4 × 4 P4 और ये यहाँ पर 4 × 3 क्या हो गए 12 हो गए। अब देखो PBr3 बन गया ना, ये देखो PCl3 से PBr3 लगा देंगे और क्या बन जाएगा एल्किल क्लोराइड की जगह क्या बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड का क्या होगा निर्माण। तो सुनो मैंने आपको क्या बताया कि एल्कोहल PCl3 के साथ या PX3 के साथ PX5 के साथ क्रिया करता है, तो जब एल्कोहल PX3 और PX5 के साथ क्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड बनाता है, ये दोनों मैंने उदाहरण बता दिए ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड के आपको ठीक है। अगर आपको एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड अगर प्राप्त करना हो तो आप क्या ध्यान रखोगे कि लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन Br2 और I2 की क्या कराई जाती है एल्कोहल के साथ क्रिया करवाई जाती है। तो ये हमने दूसरी अभिक्रिया पढ़ ली,
केयरफुल फॉस्फोरस हेलाइड के साथ अभिक्रिया करता है, वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। अगली बात, नेक्स्ट हम बात करें सी पॉइंट, पहला था हेलोजन अम्लों के साथ, दूसरा था फॉस्फोरस हेलाइड के साथ, नंबर तीन है यहां पर थायोनिल क्लोराइड के साथ। भाई थायोनिल क्लोराइड ये हो गया इसका जो सूत्र होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का जो जनरल सूत्र होता है वो SOCl2 होता है। तो हम यहां पर जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, विषम चक्रीय यौगिक है, जिसका सामान्य फॉर्मूला होता है C5H5N। एक विषम चक्रीय यौगिक, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यह एक प्रकार की होती है लुईस चार होती है, लुईस बेस। तो जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, मैं यहां पर C5H5N भी लिख सकता हूं, ये चलो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया C5H5N को पिरिडीन कहते हैं, तो ये क्रिया कराई जाती है। तो देखो यहां से ये SO और AO कौन सी गैस निर्मुक्त होगी, SO2। ये R के साथ एक Cl लग गया तो एल्किल क्लोराइड बन चुका है, अर्थात इस अभिक्रिया से तो हम बंद हो गए, ये बंधित हो गए। कैसे? कि इस अभिक्रिया द्वारा नाम से पता चल रहा है कि क्लोराइड, अर्थात इस अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल से क्या बनता है यहाँ पर, एल्किल क्लोराइड, ब्रोमिन और आयोडीन नहीं, क्योंकि थायोनिल आयोडाइड का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर थायोनिल आयोडाइड का मैंने कहा था अस्तित्व नहीं होता है, और यहाँ पर जो थायोनिल, जो क्या नाम है, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा थायोनिल ब्रोमाइड द्वारा, वो स्थायी प्रवृत्ति नहीं होगा एल्किल ब्रोमाइड की। तो जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो ये यहाँ पर एल्किल क्लोराइड SO2 और HCl। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, वापस इसको प्रारूप, इसका एग्जाम्पल, ये मैंने ले लिया CH3OH, मेथेनॉल का उदाहरण ले लिया, एथेनॉल का ले लो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ले लो, R की जगह कोई छोटा एल्किल समूह रखो। अब मैं क्रिया करा दी SOCl2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको आपको समझाने के लिए, ये प्लस लगा दिया। तो देखो भैया पहले तो अपना काम कर लो, ये बन गया CH3Cl, लो जी ऊपर लिखना जरूरी है पिरिडीन, ये पिरिडीन, ये CH3 क्या हो गया Cl, ठीक है, प्लस ये हो गया यहाँ पर SO2, ये देखो SO2, ये निर्मुक्त, और ये यहाँ पर क्या हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप देखना ये जो अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड वाली, ये जो अभिक्रिया है ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया का एक नाम हो रहा है डार्जिन अभिक्रिया, लो भी एक नाम हो रहा है अभी डार्जिन अभिक्रिया। हमेशा आपको पता है एक या दो नंबर का प्रश्न नाम के आधार पर डार्जिन अभिक्रिया क्या है, तो एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड परचेज ऑफ पिरिडीन टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड एंड SO2 एंड HCl। इन दिस रिएक्शन पिरिडीन बिहेव लाइक एज लुईस बेस, ये लुईस बेस है, ये क्या करता है SO2 तो एनवायरनमेंट में इवोपरेट हो जाती है, चली जाती है, चली गई, और HCl अम्ल है तो पिरिडीन एक लुईस चार है जो HCl को क्या कर लेती है अवशोषित, ये वातावरण में चली जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है शुद्ध अवस्था में, क्लोरोमेथेन हमें क्या होता है यहाँ पर प्राप्त होता है, क्लोरोमेथेन प्राप्त हमें होगा इस अभिक्रिया के अंदर। और इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल जो ब्रोमाइड बनता है वो अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, तो थायोनिल ब्रोमाइड के साथ एल्किल ब्रोमाइड मैंने मान लो Br2 ले लिया, इससे मैंने क्या बना लिया एल्किल ब्रोमाइड, तो ये अस्थायी प्रवृत्ति का। और अगर एल्किल आयोडाइड मुझे प्राप्त करना है तो SOI2 होता ही नहीं है, अस्तित्व नहीं होता। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर एल्किल क्लोराइड फॉर्मेशन, ये एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए उपयोगी अभिक्रिया है, समझे मेरी बात। तो यहाँ पर डार्जिन अभिक्रिया एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड बनाती है। अब कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस अभिक्रिया में पिरिडीन की क्या भूमिका है, भैया पिरिडीन एक लुईस चार है जो इस अभिक्रिया में बने HCl को क्या करती है यहाँ पर लुईस अम्ल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उदासीनीकृत कर देती है इस प्रकार। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब ये तो इसके बाद
अपन एल्कोहल की जो रिएक्शन पहले एक रिएक्शन पढ़ी है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं हमने पढ़ा सबसे पहले यहाँ पर संरचना एल्किल एराइड की, फिर सी एच साबन की प्रकृति, बंध लंबाई, क्रियाशीलता, स्थायित्व, बंध प्रबलता, सामर्थ्य के बारे में, फिर हमने क्या किया हेलो एल्गिन का विरेचन। ठीक है, हेलो एल्गिन के विरेचन में केवल एक अभिक्रिया पढ़ी एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल में नंबर वन जो टॉपिक पढ़ा वो भैया ध्यान दो कौन सा पढ़ा, हेलोजन अम्लों के द्वारा, उसमें एक नया नाम है ल्यूकस अभिकर्मक। ठीक है, नंबर दो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ PX3 और PX5, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था कि थायनिल क्लोराइड के साथ, तो डार्जिन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट नाम आया यहाँ पर कि डार्जिन अभिक्रिया के तहत एल्किल क्लोराइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की अभिक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो विरेचन की विधि नंबर दो है एल्केनों के द्वारा, और आगे जो विरेचन की विधियाँ हैं एल्केनों के द्वारा हो गया, उष्णीकर अभिक्रिया होगी, नाइट्रोजन क्लोराइड द्वारा हो गया, एल्किनों के द्वारा हो गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फोर्थ में। तो आपको ये कैसा लगा पढ़ाया हुआ मेरा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।